वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बनाऊंगी चने की दाल और माश की काली वाली दाल। ये देखें, ये वाली एक तो वाइट वाली होती है, ये ब्लैक वाली जो माश की दाल है वो है। और ये मेरे पास 1 पाव चने की दाल है और आधा पाव माश की दाल है। इसमें अभी मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है, अभी पानी डालूंगी मैं इसमें। तकरीबन 3 से 4 गिलास इसमें पानी जाएगा। तो अभी इसमें मसाले जाएंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें, अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून, ये देखें हरी मिर्चों का पेस्ट। और अब इसमें जाएगा थोड़ी सी हल्दी, ये देखें 1 टीस्पून कुटी पिसी मिर्च और 1 टीस्पून इसमें कुटी मिर्च। इसको डाल के तो हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं तकरीबन आधा पौना घंटा के लिए, तकरीबन 45 मिनट के लिए। तो उसके बाद फिर जब गल जाएगी तो बाकी फिर इसका तड़का वड़का बाद में जाएगा। चले इसको कुक करते हैं। बीच में मैं पानी थोड़ा सा और डाल रही हूँ क्योंकि फिर दाल अच्छी सी गल जाएगी। तकरीबन 3 गिलास मैंने पहले डाला था और 1.5 गिलास अभी डाल रही हूँ। ठीक है, इसको कुक करते हैं 45 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। इसे दाल अभी तैयार है, उसमें मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और इसके साथ ये देखें, मैंने बॉयल चावल बनाए हैं, उसको अभी हटा देती हूँ, ये तैयार है। अभी मैं आपको बताती हूँ तड़के की चीज़ें, इसमें क्या क्या चाहिए तड़के के लिए, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये देखें, इसमें मैंने 1 छोटी प्याज और ज़ीरा, साबुत वाली लाल मिर्चें और कड़ी पत्ता, ठीक है, इसको डाल के और 1/2 कप ऑयल डाल के इसको मैंने रख दिया है ऊपर, क्योंकि दाल हमारी गल चुकी है। और इसमें ये देखें, मैंने आप जब मसाले डाले थे इसमें मैंने नमक नहीं डाला था, ठीक है। अभी मैं इसमें, क्योंकि नमक मैं लास्ट में डालती हूँ, अगर स्टार्ट में डाल दूँ तो फिर दाल गलने में थोड़ी मुश्किल होती है। 1.5 टीस्पून इसको मिक्स करते हैं। तैयार है ये देखें, अभी मैं इसमें डालती हूँ, फ्लेम को ऑफ करते हैं और दाल हमारी तैयार है। लास्ट में इसमें धनिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चने दाल हमारी तैयार है, ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।